રાષ્ટ્રવાદી યુવા વાહિની દ્વારા સીએએના સમર્થનમાં અને શાહીનબાગ ખાલી કરાવવા કલેક્ટરને આવેદનપત્રક આપવામાં આવ્યું હતું. કલેક્ટર કચેરીએ નારાબાજી કરતા લોકોએ જણાવ્યું હતું કે જવાનો પર સીએએના નામે હુમલો કરી મોતને ઘાત ઉતારવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે આવા અસામાજિક તત્વોને કડકમાં કડક સજા આપવી જોઈએ. સાથે જ શાહીનબાગમાં ગેરમાંગણીઓ કરનારને ત્યાંથી હટાવીને શાંતિ સ્થાપવી જોઈએ. યુવા વાહિનીના કાર્યકરોએ જણાવ્યું હતું કે અસામાજિક તત્વો દ્વારા દેશની અંદર સુરક્ષા કરનાર પોલીસ સુરક્ષા કર્મીઓ પર જીવલેણ હુમલો કરનારા અને દેશના લોકોની મિલકતોને નુકસાન કરનારા અસામાજિક તત્વો પર કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. દેશની મિલકતોને નુકસાન કરનારા પાસેથી જ તેની ભરપાઈ કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિને કલેક્ટરના માધ્યમથી આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. देखिए राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के द्वारा भारत के लगभग 150 जिलों में आवेदन पत्र दिया जा रहा है. राष्ट्रवादी युवा वाहिनी सीए के विरुद्ध देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसके खिलाफ जो है आवेदन देने के लिए पूरे देश में आवेदन दे रहे हैं और सूरत जिला में आज हम आवेदन देने के लिए आए हैं. राष्ट्रवादी युवा वाहिनी की मांग है के जो शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है काफ़ी महीने से जल्द वहाँ पे सरकार वहाँ से खाली करवाएं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को असुविधा हो रही है और वहाँ की पब्लिक काफ़ी परेशान है. इस तरह के जो भी देश भर के अंदर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवेदन देने के लिए आए हुए हैं. और हमारी मांग है कि अभी जो दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए हैं, दिल्ली के अंदर दंगे हुए हैं, उन दंगाइयों से जो पब्लिक प्रॉपर्टी और निजी प्रॉपर्टी जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई की जाए. और शाहीन दिल्ली में जो अंकुर शर्मा हत्याकांड का जो आरोपी है ताहिर खान, उसकी गिरफ्तारी हो और उसको फांसी की सज़ा मिले. और वहां पे जो पुलिस कांस्टेबल रतनलाल जी, उनको जो उनकी हत्याकांड हुई है उसके भी आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ करके उसको फांसी की सजा मिले. आपका नाम? कविता दुबे. मैं ये मांग करती हूँ भारत सरकार से कि जो सीए के नाम पे उपद्रव किया जा रहा है और इस तरीके से उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अलावा जान माल का भी खतरा हो रहा है और हमारे जो सुरक्षा बल हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं जनता की सुरक्षा करने के लिए, उनके ऊपर अगर जानलेवा हमला जिस देश में किया जा रहा है उपद्रवियों द्वारा, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित है? भारत सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे आतंकी उपद्रवियों के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे सैनिक भेजे जाते हैं, जो पुलिस अधिकारी भेजे जाते हैं, उनको गन चलाने का परमिशन होना चाहिए. अगर वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो कहां से पब्लिक की सुरक्षा करेंगे? जिस तरीके हमारे आईबी अधिकारी को शर्मा जी को मारा गया, जिस तरीके हमारे कांस्टेबल को मारा गया, जिस तरीके वहां से एक सैनिक ऊपर एसिड अटैक किया गया, इसको देखते हुए तो बहुत ही विडंबना की बात है. भारत सरकार किस तरीके से इन लोगों के साथ बर्ताव कर रही है? अभी तक शाहीन बाग 3-3 महीने के दिन हो गए, नहीं खाली करवा पाई. ये क्या चल रहा है? जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, इन लोगों ने इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को घोषित किया, बांग्लादेश को घोषित किया. हिंदुओं को रहने के लिए मात्र एक देश भारत दिया गया, जिसमें एक धर्मशाला बना के रख दिया गया है. आज जो हमारे अन्य देशों में इस्लामिक कंट्री में अल्पसंख्यक हिंदू भाई, सिख भाई, जैन, बुद्ध जो भाई हैं, उनके लिए सीए का नागरिक कानून ला के भारत सरकार ने उनको भारत में रहने के लिए अगर दी सुविधा दी, तो इससे इस्लामिक विचारधारा वालों को परेशानी क्या हो रही है? वो इसकी परेशानी नहीं है, एक्चुअली उनको जो घुसपैठी घुसा रखे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और म्यांमार से, वो नहीं जा पाए, इसलिए इन लोगों ने उपद्रव और आतंक मचा रखा है. सच्चाई तो यही है. कैमरामैन सबी सैयद साथ सोनल टोपीवाला, दिव्यांग न्यूज़, सूरत.